अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की चाट। बनाने के लिए हमें चाहिए एक अदद प्याज, उसे मैंने चॉप कर लिया है। स्प्रिंग अनियन चाहिए है, ग्रीन चिली चाहिए। ग्रीन चिली को आप अगर बारीक कूटना चाहते हैं आप कूट सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना, और अगर आपके पास धनिया भी अवेलेबल है तो आप उसको भी इस तरह से काट सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने चने उबाल लिए हैं, और पटैटो एक ले लिया है, उसको मैंने बारीक काट लिया है। एज़ पर माई डिज़ायर आप अपने हिसाब से उसको काट सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ कप ऑफ योगर्ट लिया है, और उसे मैंने अच्छी तरह से बीट किया है। बीट करने के बाद मैं उसके अंदर डाल रही हूँ। इसमें जो दही का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई होती है। और यहाँ पर मैंने इमली की चटनी होममेड बनाई है, उसकी रेसिपी सुन मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं ये इसके साथ इसके ऊपर डाल रही हूँ, और डालने के बाद मैं वो तमाम चीज़ें जो मैंने काट के रखी हैं वन बाई वन उसको उसके अंदर डालूँगी। और टमाटर भी मैंने तकरीबन हाफ़ जो है वो बारीक काट लिया था, और काट के मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। ग्रीन चिली और प्याज जो भी अभी मैंने आपको दिखाया है वो सारा कुछ मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी। चाट मसाले की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो राइट साइड पर एक आई बटन या बॉल बटन बना हुआ है उसके ऊपर आ रही होगी, आप उसको प्रेस करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आप देख सकते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर अगेन मैं इसके ऊपर इमली का थोड़ा सा जो पल्प जो मैंने चटनी बना के रखी थी मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे नीचे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी किस्म का कोई फरमाइश हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।